अम्ब्रेला स्पीशियस को की नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का. फर्स्ट है अम्ब्रेला स्पीशियस आर कंजर्वेशन कंसेप्ट दैट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशियस. सिर्फ इस पर है थोड़ा नैरो हो गया. प्रोटेक्टिंग ए सिंगल स्पीशियस नैरो हो गया. प्रोटेक्टिंग स्पीशियस दैट हैव वाइड रेंज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. प्रोटेक्टिंग स्पीशियस विद अम्ब्रेला शेप्ड मार्किंग ये सिर्फ लिटरेरी बाहर का मीनिंग हो गया. तो राइट आंसर सी है यहाँ पर व्यापक परिस्थितिक प्रभाव वाली प्रजातियों की रक्षा करना. सेकेंड क्वेश्चन है अम्ब्रेला स्पीशियस आर ऑफन चूजन बेस्ड ऑन देयर रेयरिटी. हिंदी में पढ़ लूंगा समझ नहीं आया मुझे. दुर्लभता आकार सौंदर्य अपील आवास संबंधी आवश्यकताएं. देखिए एस्थेटिक सेंस फ्लैगशिप स्पीशियस से मिलती हैं. ओके रेयरिटी प्रायोरिटी जो है स्पीशियस उससे मिल जाएगी. और हमारे लिए बेस्ट बन रहा है साइज से नहीं मीनिंग बन रहा. हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स आएगी आवास संबंधी आवश्यकताएं. राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. द प्राइमरी गोल ऑफ कंजर्विंग अम्ब्रेला स्पीशियस इज टू एंश्योर नंबर 1 सर्वाइवल एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑल स्पीशियस इन इकोसिस्टम. ये देखिए ये ऑल इसको बेटर कर रहा है. प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन स्पेसिफिक रीजन. बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल रखनी है लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक रीजन में जहाँ वाइड रीजन में. अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इनको चूजेंगे. यहाँ पर 2 टिक लगा रहा हूँ यहाँ 1 टिक लगा रहा हूँ. प्रोटेक्ट लार्ज चार्मिस्टिक एनिमल है ठीक लेकिन नैरो हो गया. ये नैरो हो गया इसको एन लिख दिया. और इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ये पर्पज फ्लैगशिप जो स्पीशीज हैं उनका है. तो राइट आंसर ए को चुन रहे हैं. एक परिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित करना इसका मेन पर्पज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला स्पीशियस. ये रहा अफ्रीकन एलिफेंट बंगाल टाइगर मोनार्क बटरफ्लाई और रेडवुड ट्री. तो ये हमने सेंट्रल आइडिया क्या है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन सेंट्रल आइडिया है हमारे सॉल्व करने के लिए. कौन ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा ज़्यादा पावरफुल होगा. आप पावरफुल तो टाइगर भी है और अफ्रीकन एलिफेंट भी है. अब यहाँ पर बटरफ्लाई है लेकिन हमने किस्म और कोई वहाँ पड़ी थी. तो रेडवुड ट्री ये 2 वीक ऑप्शन बन रहे हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ये गुड अच्छे ऑप्शन बन रहे हैं इनमें से एक को चूज करना होगा. तो अफ्रीकन एलिफेंट को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया एज अम्ब्रेला स्पीशियस क्योंकि राइट आंसर यही है. क्योंकि सिर्फ ये एक हाथी अफ्रीका में हाय देखें कितने प्यारे हैं. हाय गुगलू मुगलू हैं बहुत प्यारे हैं. गुगलू है ये तो गुगलू ये तो बहुत ही गुगलू है. ये वाला भी बुगू 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 है. अच्छा क्योंकि ये एलिफेंट क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट हेल्प टू मेंटेन सस्टेनेबल हैबिट ऑफ मेनी अदर स्पीशियस. सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट 30% दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट के 30% इनका काम क्या है. ये जो हाथी हैं 30% एलिफेंट नहीं 30% ऑफ ट्रीज स्पीशियस. ट्रीज स्पीशियस मे रिक्वायर एलिफेंट टू हेल्प ए डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन के उनकी जर्मिनेशन प्रोसेस में इन एलिफेंट्स की 30% कंट्रीब्यूशन है. सॉरी 30% ट्रीज को जर्मिनेट ये करते हैं. इट मींस अगर ये हाथी हट जाएं तो वहां की वेजिटेशन जो है वो ट्रीज हैं 30% कम हो जाएंगे. तो देखिए इन हाथियों को बचाने से हमारे 30% ट्रीज बच गए हैं क्योंकि इन्होंने उनकी सुरक्षा की है उनकी प्रोटेक्शन की है उनकी एक्सटेंशन की है. दे प्ले पाइवोटल रोल इन शेपिंग द हैबिटेट. शेपिंग हैबिटेट है ना उसको स्ट्रक्चर करना है. ये की स्टोन का भी थोड़ा करेक्टरिस्टिक है. बिकॉज द एनोरमस इम्पैक्ट दे हैव ऑन फैक्टर रेंजिंग ऑन फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट कवर.
सारे जंगल और पानी पर भी उनका प्रभाव है, तो इतनी कंट्रीब्यूशन के कारण अफ्रीकन एलिफेंट को अम्ब्रेला, इसको छोटा कर लें, ये रहा, आ जाओ भैया वापस आ, पहले से भी छोटे हो और छोटे हो। तो अम्ब्रेला जो है स्पीशियस उनमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अम्ब्रेला स्पीशीज कैन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने नहीं रखा है, इधर आया हिंदी वालों को भी दिखा दूं, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन है, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव मोस्टली राइट आंसर होता भी है, ये हिंट भी है। तो क्लाइमेट चेंज में और वाटर पोल्यूशन में, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में अम्ब्रेला स्पीशियस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला स्पीशियस, कंजर्वेशन एफर्ट कैन इनडायरेक्टली बेनिफिटेड, नंबर वन पर है, ये भी साथ में चला लेते हैं, इन्वेसिव स्पीशियस। इन्वेसिव स्पीशियस वो होते हैं जो आक्रामक होते हैं, हम अपने इकोसिस्टम में या अपनी जमीन पर लाते हैं, बाद में वो नेगेटिव साबित होते हैं, इट मींस उनका प्रभाव जो है नेगेटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव जिनका प्रभाव है उनको हम बचाएंगे, या उनको अम्ब्रेला स्पीशीज के सामने बीच में रखेंगे, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। थ्रेटनिंग एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ये पॉसिबल है, अगर इससे बेटर ऑप्शन मिलती है तो इसको नहीं चूज करना, अगर इसलिए चार की चार ऑप्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। कमर्शली वैल्यूएबल स्पीशीज ये नैरो हो गया, डिलीट हो गया, नन ऑफ दीज, इसलिए ये राइट आंसर थ्रेटनिंग बन रहा है। संकट ग्रस्त एंड लुप्त प्राय प्रजातियां यहां पर राइट आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन है, अम्ब्रेला स्पीशीज कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट। एक बात याद रखिए, कंजर्वेशन शब्द बार बार जुड़ रहा है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन जो उसमें कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था, बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एडवोकेटिंग फॉर हैबिटेट प्रिजर्वेशन। तो ये प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे, ये हो गया कि हैबिटेट प्रिजर्व रखना है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ने हैं, बेशक वो एनिमल की हो, ट्रीज की हो, ह्यूमन की हो। तो यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, ऐसी एग्रीकल्चर करनी कि जमीन नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी रहे, बंजर बना के अगली वो जनरेशन को ना दे, तो ये भी है प्रिवेंटिंग डिफोरेस्टेशन। तो ऑल ऑफ अबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अम्ब्रेला स्पीशियस इज ट्रू। 8th क्वेश्चन है, हिंदी में भी देख लीजिए, दे आर ऑलवेज टॉप, देखिए प्रीडेटर हो सकते हैं लेकिन टॉप और ऑलवेज नहीं होंगे, ऑलवेज टॉप नहीं होंगे, इसके बेस पर इसको गलत किया जाता है। दे हैव स्मॉल हैबिटेट, नहीं हमने किया था कि लार्ज हैबिटेट, इस करेक्टरिस्टिक को लर्न कर सकते हैं। दे आर रेजिलेंट टू एनवायरमेंटल चेंज, हिंदी में क्या है, वे पर्यावरण परिवर्तनों में लचीले होते हैं, रेजिलेंट होते हैं, ये रेजिलेंट इसको राइट बनाता है। यस, ये यहां पर टिक लगा लिया। दे कैन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्पीशियस विद इन सिमिलर हैबिटेट। अब ये रिप्रेजेंटेशन वाइज, दे कैन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्पीशियस विद सिमिलर हैबिटेट, यहां पर दो टिक लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन ठीक हो, लेकिन बेस्ट चॉइस है, आपने देखनी है कौन सी है, यहां पर इसको चूज कर रहे हैं एज ए राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ब्रेला स्पीशियस में, अम्ब्रेला स्पीशियस कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफन इन्वॉल्व, 9th ये यहां भी रहा, क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, नंबर एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव स्पीशीज। देखिए कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में हैं हम, तो हमने स्ट्रेटजी क्या देखी थी कि भाई उन जीवों को बचा लो जो आगे कई जीवों को बचाते हैं, सिंपल। तो क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया ये हो सकता है, लेकिन छोटा टिक है। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, बंदी प्रजनन का, ये हो सकता है लेकिन नहीं, ये छोटा है, क्वेश्चन मार्क इसको डालते हैं वैसे। जेनेटिक इंजीनियरिंग,
ये बड़ा कंसेप्ट है, इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव स्पीशीज। ये तो खतरा भी हो सकता है, वहाँ के स्पीशीज बाहर के वहाँ से लाए जाएं तो कई बार एक्सपेरिमेंट रॉन्ग भी हो सकता है। तो दैट इज़ वाई राइट आंसर सी को चुन रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये ऑफन पर हमने कंसंट्रेट करना है कि सबसे ज़्यादा इसमें से क्या अपनाया जाता है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कंजर्वेशन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन कंट्रीब्यूट टू, हिंदी में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करता है, बिल्कुल करता है, इनडायरेक्टली पर छोटा टिक है। सस्टेनेबल टूरिज्म जो नेचुरली है यहाँ का इकोसिस्टम, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल इंडिया में केरला ने दूसरे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश ने तीसरे, नहीं दूसरे नंबर पर ही, तमिलनाडु दोनों आए हैं। तो वहाँ का पर्यावरण जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो है 13 नंबर शायद है, तो वो उन्होंने अच्छी तरह से अचीव किया है, हिमाचल और केरला ने, तमिलनाडु ने। ऐसे ही वर्ल्ड में फिनलैंड ने, डेनमार्क ने, ये टॉप की कंट्री हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल अचीव किए हैं, तो ये टिक लगेगा। कार्बन सिक्वेट्रेशन कार्बन प्रच्छादन, तो ये अगर दो टिक हैं तो हम ऑल ऑफ द अबव चूज ही करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अम्ब्रेला स्पीशीज आर टिपिकली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट, ईज रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एक्सटिंक्ट रिस्क ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको शामिल नहीं किया गया क्वेश्चन में क्योंकि ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 11 ये हो गया, और ये 12 नहीं, ये 11, ये वाला रहेगा 11 वाला। द प्रेजेंस ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम इन्वेसिव स्पीशीज, ये तो नेगेटिव है, ये कैसे हो सकता है, अम्ब्रेला स्पीशीज पॉजिटिव हैं। ओवरग्रेज्ड हैबिटेट, अत्यधिक चराई वाले आवास, यहाँ पर बहुत घास वगैरह मिलता है, तो ऐसा कुछ एक संबंध नहीं है, इसको भी गलत करते हैं, तो नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। एक राइट आंसर होगा हेल्दी इकोसिस्टम इज बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन हेल्प मेंटेनिंग, 11वें में स्वस्थ परिस्थितिक तंत्र राइट आंसर है। 12वां है कि द प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन हेल्प मेंटेनिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। देखिए ये मेंटेन, ये सभी टिक लग रहे हैं, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी बड़ा कंसेप्ट है, दैट इज वाई उसको चूज किया जाता है एज ए राइट आंसर। अनुवांशिक विविधता डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होगी तो कितनी प्रॉब्लम जो है एनवायरनमेंट की खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। 13th है नंबर, हिंदी में भी इधर कर लेते हैं, ये रहा हिंदी में, अम्ब्रेला स्पीशीज कैन यूज टू प्रायोरिटाइज स्पीशीज फॉर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, कमर्शली वैल्यूएबल स्पीशीज, ये इसने वीक कर दिया, रिजेक्ट कर रहे हैं। स्पीशीज विद नो एकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ऐसे क्यों मूर्खता हम करेंगे। स्पीशीज फॉर हंटिंग पर्पज, तीनों नेगेटिव हैं, सिर्फ एक ही पॉजिटिव बच रहा है, री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, है ना। अगर इससे बेटर ऑप्शन है तो कोई और चूज करेंगे, दैट इज वाई राइट आंसर यहाँ पर ए है। और हिंदी में क्या है, पुनर उत्पादन कार्यक्रमों के लिए प्रजातियाँ। 14 नंबर क्वेश्चन है, अम्ब्रेला स्पीशीज आर ऑफन लार्ज एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव फूड रिसोर्स, बिल्कुल, जो अगर लार्ज हैं तो एक्सटेंसिव फूड चाहिए उनको। होम रेंज इक्वल टू कीस्टोन, नहीं, मोर देन कीस्टोन है, ओके, ये गलत हो गया। हाई रिप्रोडक्टिव रेट, बिल्कुल गलत। आर्टिफिशियल हैबिटेट, नहीं, नेचुरल में रहते हैं ना, एनवायरमेंटल नेचुरल में आर्टिफिशियल है, तो राइट आंसर यही रहेगा, एक्सटेंसिव फूड। इजी था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज इज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड इन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको डिफिकल्ट में नहीं रख रहा हूँ। 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ब्रेला स्पीशीज आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंजर्वेशन प्लानिंग एट लोकल लेवल, नेशनल लेवल, कॉन्टिनेंटल लेवल, ग्लोबल लेवल, स्थानीय, राष्ट्रीय, महाद्वीपीय, वैश्विक पैमाने पर। राइट आंसर इज लोकल स्केल, स्थानीय पैमाने पर ये
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम वो सारे वर्ल्ड पर कैसे कर सकते हैं, वो हर इकोसिस्टम में डिफरेंट अम्ब्रेला स्पीशीज होंगे। दैट इज़ व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव अम्ब्रेला स्पीशीज, निम्न में थे कौन सी प्रभावित छाता प्रजाति की विशेषता नहीं है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने लार्ज वर्ड यूज किया था ना, लार्ज हैबिटेट, लार्ज फूड, बच्चों को पालना है मेटिंग के लिए, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी जैसे ये इतना एरिया है, ज़्यादा लोग यहाँ 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 रह रहे हैं और यहाँ कम रह रहे हैं, ये लो डेंसिटी है और ये हाई डेंसिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है अभी, ये क्वेश्चन मार्क है, गलत ही है ये वैसे। वल्नेबल टू हैबिटेट लॉस, हाँ जो खतरे पर खड़े हैं, लार्ज होम रेंज, वेरी गुड, ये आएगा। तो ये क्या हो रहा है अभी, अच्छा नॉट है, नॉट क्या बना, ये हाई वाला, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, यहाँ पर बी है, उच्च जनसंख्या घनत्व। सतारवा क्वेश्चन है द कंजर्वेशन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज, इकोसिस्टम सर्विसेज पता क्या होती है, ये बताता हूँ यहाँ पर, इकोसिस्टम सर्विसेज कितनी कितने, देखो नेचर हमें क्या देता है, कि प्लांट क्लीन करते हैं एयर को, फिल्टर करते हैं वाटर को, किसके लिए, हमारे लिए, हम कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, बैक्टीरिया खुद अपने आप लगे हैं, वेस्ट जो है, ह्यूमन वेस्ट है, वो एनिमल वेस्ट है, ट्री वेस्ट है, उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, बीज पॉलिनेट कर रही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है, बीज को वहाँ बिखेर देती है, ट्रीज जो क्या है कि सॉयल को ऐसे जकड़ के रखते हैं और एरोजन से हमें बचाते हैं, फ्लड से बचाते हैं ना, तो एक्सेसिव जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे बचाते हैं ये लोग, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ये इकोसिस्टम सर्विसेज की एग्जांपल दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो सच एज पॉलिनेशन, यस बिल्कुल पॉलिनेशन, इधर से तितली इधर फूल पे यहाँ पर चली गई लेके यहाँ से कुछ यहाँ तक, ये फूल बेचारा यहाँ पहुँच नहीं सकता था तो उसने काम कर दिया। वाटर प्योरिफिकेशन, हाय बिल्कुल करते हैं, अभी हमने देखा है सॉयल एरोजन कंट्रोल, देखा ऑल ऑफ अबव आ गए ना, तो हमें सर्विसेज क्या होती हैं वो पता होनी चाहिए थी, वो मैंने यहाँ सिर्फ बताने के लिए क्वेश्चन रखा था। 18 नंबर है हमारे पास, एक्सटिंक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन लीड टू, अगर वो खत्म हो गए बाकी प्रोटेक्ट नहीं होंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी जीव जंतु खत्म होने शुरू हो जाएंगे, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, डिस्टर्बेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, परिस्थितिक प्रक्रियाओं का व्यवधान, उपरोक्त सभी राइट आंसर इज, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द सिलेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेशनल बजट, नहीं बजट पर थोड़ी रहेगा यार, ये तो नैरो हो गया, गलत, एक्सपर्ट ओपिनियन है रहेगा, लेकिन सारा एक्सपर्ट ओपिनियन थोड़ी है, नेचर को भी, प्रायर कंजर्वेशन प्रोग्राम, हाँ ये ठीक हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कंजर्वेशन गोल ये बड़ा है, डबल टिक लगाएंगे। तो ये हो गया, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, अम्ब्रेला स्पीशीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद, ये कंसेप्ट में भी टीच किया था कि मैरीन इकोसिस्टम से, जो मेरीन है जल समुद्र तल के नीचे, नहीं सारी एग्जांपल तो हमने फॉरेस्ट की दी है तो एक चूज़ करना है, ऑल ऑफ दी अबव नहीं है तो फॉरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, अर्बन बिल्कुल नॉनसेंस, एग्रीकल्चर लैंड नॉनसेंस, ये दोनों कंसीडर हो सकते हैं, क्योंकि बाकी स्पीशीज कई मेरीन इकोसिस्टम या फॉरेस्ट से है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट की सारी एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ वाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पर राइट आंसर पहले नंबर पर, अगर बेस्ट आंसर में चूज़ करना है ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पता नहीं है अभी कि नहीं, द प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नन ऑफ दीज, ह्यूमन हेल्थ वेरी इजी है ना, मेरे ख्याल में बस करें कि कदा और करना है। द कंसेप्ट ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज इज क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ, ये उस कंसेप्ट वाली वीडियो में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं ये कीस्टोन स्पीशीज से, बस फर्क क्या है कि कीस्टोन स्पीशीज के जो हैं इंजीनियरिंग का काम करते हैं, है ना, ये जो कीस्टोन स्पीशीज है ये स्ट्रक्चर को
फंक्शनिंग को, इकोसिस्टम की को प्रभावित करते हैं, और फूड वेब पर ये इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। और अम्ब्रेला स्पीशियस हैं, उनको लार्ज हैबिटेट चाहिए। हमने लर्न किया था एफ जी एच है ना, तो जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा चाहिए, फूड वेब ज़्यादा चाहिए, हैबिटेट ज़्यादा चाहिए, ये हमने डिफरेंसेस किए थे। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अम्ब्रेला स्पीशियस आर ऑफन यूज्ड टू जस्टिफाई हंटिंग एंड ट्रैपिंग एक्टिविटी, नो डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, नो लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन एफर्ट। यार वेरी इजी एंड रेपिटेटिव। ओके, सो ये क्वेश्चन थे आपके। यहाँ तक 25 पूरे कर लेते हैं अभी। चलो, द प्रोटेक्शन ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज कैन हेल्प इन मेंटेन, हिंदी में भी साथ साथ ये कर लेते हैं। 24 तक की हैं अभी, तो ये नेक्स्ट में करेंगे। डैट इज़ ऑल, बाकी स्पीशीज